राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपने बाज़ार में ब्रेड पकौड़े तो बहुत खाए होंगे, पर तले होने की वजह से ये बहुत ही ऑयली और हैवी हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिना तले ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसे आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो आपका इसे बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। चलिए शुरू करते हैं। बेसन का घोल तैयार करने के लिए एक बाउल में डाल लेते हैं एक कटोरी बेसन, जो लगभग 150 ग्राम है, आधी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच अजवाइन, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल को तैयार कर लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे बेसन में गांठें ना पड़े और हमारा घोल एकदम स्मूथ बने। घोल हमें पकौड़े के घोल जैसा बनाना है। घोल अभी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। देखिए घोल कुछ इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसको बनाने में लगभग आधा कप पानी लगा है। घोल तैयार है, अब ब्रेड पकौड़े की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इसको इस तरह फोड़ लीजिए। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी उबली हुई मटर, आधी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच खटाई और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए। अब एक पैन में डाल लीजिए 1 चम्मच घी। घी गर्म हो गया है, अब इसमें डाल लेते हैं आधी चम्मच जीरा। जीरा चटकने लगा है, अब इसमें जो आलू मिक्स करके रखे थे उसको डाल लेते हैं और 2 मिनट तक मीडियम गैस पर भून लेते हैं। इससे ब्रेड पकौड़े का टेस्ट बढ़ जाता है। आलू अगर बड़ा लग रहा हो तो इसे इस तरह फोड़ लीजिए। आलू भुन गए हैं, इसमें डाल लीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। स्टफिंग तैयार है, गैस को बंद कर देते हैं। अब एक मीडियम साइज़ की ब्रेड ले लीजिए और इस पर आलू की स्टफिंग इस तरह फैला लीजिए। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड को रख लीजिए, इसे हल्का सा दबा दीजिए। अब इसके ऊपर बेसन का घोल फैला लीजिए। ध्यान रखें कि घोल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इसको इस तरह फैलाते हुए एक पतली लेयर में ही लगाना है। अब इसको नॉन स्टिक तवे पर सेक लेते हैं। तवा गर्म हो गया है, इस पर हल्का सा घी लगा लीजिए और ब्रेड को बेसन वाली साइड से इस तरह डाल लीजिए। अब इसके ऊपर वाले हिस्से पर भी बेसन की एक लेयर लगा लेते हैं। और 3-4 बूंद घी की डाल लीजिए। ब्रेड पकौड़ा नीचे से सिक गया है, इसको पलट कर भी इसी तरह सेक लेते हैं। हमें इसे इस तरह दोनों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक सेकना है। ब्रेड पकौड़ा अच्छे से सिक गया है, इसे उतार लेते हैं। इसी तरह से हम और भी ब्रेड पकौड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कम घी से झटपट ब्रेड पकौड़े तैयार हो जाते हैं। इसे मैं अब आपको काट कर दिखाती हूँ।
देखिए कितना टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बना है। आप भी बिना तले ब्रेड पकौड़ों को बनाइए, घर में आए मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपका ब्रेड पकौड़ा कैसा बना। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।